नमस्कार दोस्तों, भगवत गीता का अनमोल सार इसके अगले भाग में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी हमसे ये कहते हैं कि न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, न तू था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा होगा कि इससे आगे भी हम सब नहीं रहेंगे। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी हमसे ये कहते हैं कि हम इंसानों में अटक जाते हैं, और इसमें मुझे नहीं लगता कि हम इंसानों की कोई गलती है। अगर मेरा परिवार है, मेरे माता पिता है, मेरा पूरा परिवार है, तो मैं उन लोगों को नहीं भूल सकता। वो हम कितना भी मतलब ज्ञान की बातें करें, फिर भी भगवान श्री कृष्ण जी का यही कहना है कि देखिए, हम भुला नहीं सकते या फिर दुख को हम इस तरह से नहीं देख सकते, तो ठीक है, लेकिन हमें समझना होगा कि हम हमेशा के लिए नहीं बिछड़े। समझो, हमारा कोई अपना कोई चला गया है, तो ऐसा ज़रा भी नहीं है कि वो हमेशा हमारे लिए चला गया है। हाँ, इस जन्म में या फिर कुछ वक्त के लिए थोड़ा सा हमसे वो दूर गया है, लेकिन मैं उसको फिर से कहता हूँ कि उसके साथ हमारी में जो मुलाकात है वो हमेशा होने ही वाली है, और हम हमेशा के लिए एक दूसरे से कभी भी दूर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जो सच्चा प्यार है वो कभी भी नहीं मरता, वो अमर ही होता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी हमसे ये कहते हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान मान समझने वाले जिस पुरुष को ये इंद्रिया और विषयों का संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष का योग्य होता है। उनका ये कहना है कि जो स्थित प्रज्ञता है या फिर दुख और सुख को जो इंसान समान मानता है, वह ही मोक्ष का अधिकारी होता है। मतलब जो हमारे सामने जो बुरी चीज़ें हैं वो अगर आई तो हम ज़्यादा दुख ना करें, या फिर ये भी चीज़ें चली जाएंगी, या फिर उसका ठीक से सामना करने की कोशिश करें। मैं ये कोशिश कर रहे बोल रहा हूँ, क्योंकि पूरी तरह से हमें वो उसमें हम कामयाब हो जाएंगे ऐसा नहीं होता। कितना भी बड़ा इंसान हो, वो ऐसी भी चीज़ें उसके सामने आती है जहाँ पे वो सारी चीज़ मतलब दुनिया को वो जीत सकता है, लेकिन उसके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी कि उसमें वो थोड़ा सा कम पड़ जाता है, तो कहीं ना कहीं उसकी भी हार होती है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि जितना हो सके हमें कोशिश करने की ज़रूरत है कि ऐसा जो इंसान जो बहुत ही हर्षित नहीं होता सुख में और बहुत ही ज़्यादा दुख में दुखी नहीं होता, ऐसा जो इंसान है सबसे पहले वही मोक्ष का अधिकारी है। मैं आपको सच कहता हूँ कि जो संत थे उनको अगर हम देखेंगे तो उनका जीवन कुछ ऐसा ही था। वो ज़्यादा चिंता वगैरह नहीं करते थे, जो होना है होना है, होता जाएगा। या फिर इन संतों ने जो एक काम किया वो अपने कर्तव्य का में कभी कम नहीं पड़े। समझो, उन्होंने उनका कुछ कार्य है, उनका कुछ कर्तव्य है लोगों को मदद करने की, समझो कोई बारी आई है तो उसमें ये कम नहीं पड़े। उन्होंने जो भी अपना कर्तव्य है उसको प्राथमिकता दी, लेकिन वो कभी भी चिंता में नहीं रहे। उन्होंने यही सोचा कि जितना हम समाज के लिए कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करनी चाहिए। कोई काम नहीं बना तो सर पटक के बैठना या फिर बहुत ही दुखी होना, ऐसा किसी भी संतों ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको सच पता है कि ज़्यादा दुख वगैरह करके क्या होगा। क्योंकि हम कहते हैं कि पृथ्वी को मुझे नहीं लगता कि परफेक्ट कभी बन पाएगी, कि सारी ही अच्छाई उसमें है, कुछ बुराई नहीं है, ऐसा नहीं होगा। पृथ्वी का जो चयन है या फिर इसी तरह से किया गया है कि ये सारी चीज़ें ऐसी ही घटित होंगी। पृथ्वी पर मैं बोल रहा हूँ, जो परफेक्ट वर्ल्ड है तो मुझे लगता है कि आत्मालोक में सभी कुछ अच्छा होगा। लेकिन मुझे आपसे यही कहना है कि जो समान बुद्धि हम अगर रखने की कोशिश करें तो ये हमारे जीवन में और हमारे आत्मा के जीवन के लिए बहुत ही अच्छी बात हो सकती है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी हमसे ये कहते हैं कि यह आत्मा किसी काल में न भी न तो जन्मता है और न मरता है, तथा यह न उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, तथा यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। उनका कहने का मतलब ये है कि जो जन्म हमारा होता है, या फिर हमें अगर किसी ने पूछा कि आपका जन्म वगैरह कब हुआ, तो हम कोई एक तारीख वगैरह देंगे कि इस दिन हुआ, लेकिन वो हमारे आत्मा का जन्म नहीं है, वो हमारे शरीर का जन्म है। तो सर्वशक्तिमान ईश्वर हमसे ये कहते हैं कि शरीर की यहाँ पर बात नहीं हो रही, यहाँ पर आत्मा की बात हो रही है। तो उनका ये कहना है कि जो आत्मा है उसका कभी जन्म नहीं होता और वो कभी मारा भी नहीं जाता। अगर हम आत्मा का जन्म कब हुआ ये ढूंढने जाएंगे तो उसका जवाब मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर ये इस बात का जवाब नहीं मिल रहा तो आत्मा का अंत कब होगा तो उसका भी जवाब मिलना बहुत ही मुश्किल है। जितना मैंने पढ़ा है कि आत्मा की जो ऊर्जा है वो कभी भी नष्ट नहीं की जा सकती, वो हमेशा के लिए रहती है, लेकिन ये जो शरीर है वही नष्ट होता है। तो भगवान जी हमसे यही कहते हैं कि जो आत्मा है हमारी वो अजन्मा है, वो नित्य है, वो सनातन है, वो पुरातन है, वो हमेशा के लिए है ही, ऐसा नहीं है कि वो कभी नहीं थी वगैरह। तो उनका यही कहना है कि जो शरीर है हमारा, शरीर अगर कल नष्ट भी हो गया, फिर भी जो आत्मा है वो हमेशा अमर ही रहेगी, और आत्मा आत्मलोक में बहुत ही आनंद से जीती रहेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने तीन महान बातें सुनने की कोशिश की। ये जो सारी चीज़ें हैं वो इतना हमें ज्ञान देती है कि मुझे लगता है कि एक सागर भी कम पड़ सकता है इन सारी चीज़ों के लिए। इसलिए मैं थोड़ा सा जितना हो सके अपने हिसाब से कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अगर कोई भी सवाल हो इन सारी चीज़ों को लेकर, आप ज़रूर पूछें, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। आप अपना ख्याल रखना, हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया।